ओम श्री गणेश नमः। दोस्तों ओम गणपति समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं 29 अगस्त रविवार आज के सिंह राशि फल के बारे में कि आज के दिन इनको किन चीजों से फायदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा और साथ ही इनका बिजनेस और व्यवसाय कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे। दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं जिससे आप तक समय समय पर नई नई महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आज का दिन। पहली बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों स्वास्थ्य के लिहाज से आज बहुत अच्छा दिन है, आपकी खुशमिजाजी ही आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ यात्रा से थकान और तनाव बढ़ सकता है लेकिन आर्थिक तौर पर आज का दिन अच्छा साबित होगा। धन की आवाजाही आज दिन भर होती रहेगी और दिन ढलने के बाद भी आप बचत करने में सक्षम रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लोगों से परिचय बढ़ाने के लिए सामाजिक गतिविधियां अच्छा मौका साबित होंगी। साझेदार से संवाद कायम करना बहुत कठिन सिद्ध हो सकता है। आज जीवन के कई अहम मुद्दों पर घर वालों के साथ बैठकर बात कर सकते हैं। सहकर्मियों और वरिष्ठों से मिला सहयोग आपके उत्साह में इजाफा करेगा। अपनों को वक्त देना बहुत आवश्यक है, आज आप ये समझेंगे, यह बात आप समझेंगे लेकिन फिर भी अपने परिवार को वक्त नहीं दे पाएंगे। आपको महसूस होगा कि शादी के वक्त किए गए सारे वादे सच्चे हैं, आपका जीवन साथी ही आपका हमदम है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव रहने वाला है। किसी के साथ भी फिजूल की बहस में ना पड़े, इससे आपका ही नुकसान होगा तथा समय भी व्यर्थ होगा। अपनी क्षमता से अधिक काम करने से उसका दुष्प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। बेहतर होगा कि अपना कार्यभार हल्का करने के लिए दूसरों के साथ अपना काम बांटें, शेयर करें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। पति पत्नी आपसी सामंजस्य से घर में चल रही किसी समस्या का हल निकालने में आज सक्षम रहेंगे तथा घर परिवार में आपसी प्यार और सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंध भावना प्रधान रहेंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपका व्यवसाय कैसा रहेगा। व्यवसाय में विस्तार की योजना पर काम शुरू होगा। कोई योजना जो पिछले काफी समय से लंबित थी उसका पूरा होने का समय आ गया है और कार्य क्षेत्र में की गई मेहनत के जल्दी ही उचित परिणाम हासिल होंगे। अगर आप अपने कारोबार में कोई नया अमल कर रहे हैं तो प्रयासरत रहें, प्रोडक्शन के साथ साथ मार्केटिंग पर भी थोड़ा ध्यान दें। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल पर कोई सम्मान मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपका घर परिवार कैसा रहेगा। पारिवारिक परिस्थितियां खुशनुमा रहेंगी। बुजुर्गों के आशीर्वाद और सहयोग से घर में सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहेगी और विपरीत परिस्थितियों में भी आपको जीवन साथी व परिजनों का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा जिससे आपका आत्मबल बना रहेगा। इससे आपका तनाव काफी कम होगा और आप काफी प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा परंतु आप अपने आत्मविश्वास और मनोबल में कमी महसूस करेंगे। अपने विचारों में सकारात्मकता लाएं तथा मेडिटेशन पर भी ध्यान दें और यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होती है तो नियमित योग और व्यायाम करें, प्राणायाम करें और स्वस्थ रहें। दोस्तों आज आप एक उपाय अवश्य करें, पक्षियों के लिए पीने का पानी रखें और सूर्य देव को जल अर्पित करें और इस मंत्र का जाप 108 बार अवश्य करें। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। नित्य ऐसे करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों आपको भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त हो। कमेंट में जय सूर्य देव अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।